वाइल्ड वाटर बफलो और बुबेलस आर्नी। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक डोमेस्टिकेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। डोमेस्टिकेशन प्रोसीजर लगभग 30-40 हज़ार साल पहले शुरू हुआ था। ह्यूमंस पहले डॉग्स को, फिर गोट, शीप, हॉर्सेस, इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे। इसी प्रोसेस में वाटर बफलो को भी डोमेस्टिकेट किया गया, वाटर बफलो और आई शुड से बुबेलस बुबेलिस। और जो वाइल्ड वाटर बफलो है वो इसका प्रोजेनिटर है, दैट इज़ टू से इसका एंसेस्टर है। इफ़ यू लुक एट द एनिमल, इसका आइडेंटिफिकेशन होता है इसके हॉर्न स्पैन से। वाइल्ड वाटर बफलो का हॉर्न स्पैन 2 मीटर वाइड तक चला जाता है, कंसिडर किया जाता है सबसे वाइड हॉर्न स्पैन वाइल्ड वाटर बफलो का ही होता है। और इसका प्योर ब्रीड कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए ये कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है। 2006 के अंदर जब सर्वे किया गया तब पाया गया हमारे पास 6 वाइल्ड वाटर बफलो हैं गरियाबंद ज़िले में, और उसको ध्यान में रखते हुए ये सेंटर बनाया गया। उस समय जो 6 वाइल्ड वाटर बफलोस थे उसमें से 5 का डेथ हो चुका है और 1 एग्जिस्ट करता है। और प्रेजेंटली इस कंजर्वेशन सेंटर में 7 वाइल्ड वाटर बफलोस हैं जो उन्हीं के फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इस एरिया में 2 वाइल्ड वाटर बफलोस बाहर भी घूम रहे हैं। इस स्पीशीज़ के कंजर्वेशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्रॉस ब्रीडिंग है। जो वाइल्ड वाटर बफलो है प्लस बुबेलस बुबेलिस के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करता है, और उसके कारण जो प्योर ब्रीड है वो डाइल्यूट हो जाती है। इस चीज़ को कंजर्व करने के लिए सेंटर बनाया गया है, और इस सेंटर के अंदर यहाँ पे हमारा स्टाफ कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे इन फाइटिंग होती है जो रात को कभी 1 या 2 बजे रिपोर्ट होती है। काफ़ी सारे इन्फेक्शन केसेस आ जाते हैं, जैसे आई में कैरेटाइटिस की प्रॉब्लम रिपोर्ट हुई थी बीच में, जो फेरल कैटल या फिर आपस में एक दूसरे मिलने जुलने से हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट टाइमली किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास 1 भैंसा है छोटू, जिसकी आई साइट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी इस बीमारी के कारण, पर हमने ट्रीटमेंट करके 1 साल में उसकी पूरी आई साइट रिकवर कर ली है। जो ये हमारा कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है, इसमें अभी टोटल 4 से 5 बाड़े हैं। 5वां अभी हमने टेम्परेरी बनाया है। इसका टोटल एरिया 30 हेक्टेयर है। हम इसका फ्यूचर में एक्सपेंशन कर रहे हैं, पीछे 3 बाड़े और ऐड कर रहे हैं, ताकि जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी हम उसको उसमें शिफ्ट कर सकते हैं, और उसमें हम ज़्यादा स्पेस रखेंगे ताकि ज़्यादा एनिमल्स एक साथ मूव कर सके। तो ये नेचुरली यहाँ पर उगता है, ये बड़ी कांदी है, बड़ी दूब है, ये छोटे कांदी है, इसको वाइल्ड बफलो बहुत खाता है। ये नेचुरली इस जगह पे पाया जाता है। ये जो है दाब घास है, इसको भी 1 भैंसा जो है अच्छे तरीके से खाता है। यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा है। मौल पत्ता खा लेता है, सहज का पत्ता खाते हैं, और सेमार का पत्ता खाते हैं, बांस का पत्ती खाते हैं। भैंसा संरक्षण संवर्धन केंद्र के अंदर जो बड़े बड़े फेंसिंग बने हुए हैं जिसमें वन भैंसे निवासरत हैं, वहाँ पे प्राकृतिक रूप से घास के मैदान उपलब्ध हैं, जिसका प्रबंधन समय समय पर बारिश आने के पूर्व किया जाता है। क्योंकि घास के साथ में कई प्रकार के खरपतवार जो स्पीसीज हैं वो आ जाते हैं, जिसे हमारे मजदूरों, ट्रैकरों और कर्मचारियों के द्वारा समय समय पर उसे उखाड़ कर यहाँ से बाहर किया जाता है। सभी बाड़े में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है भैंसे के इतिहास से। पहला पानी, तो हर बाड़े में हमने पानी का इंतज़ाम किया हुआ है।
हर बाड़े में कम से कम एक तालाब है, उसके बाद शेडिंग, तो शेडिंग की व्यवस्था की गई हुई, और साथ में चारे के लिए हम लोग घास का इंतजाम करते रहते हैं, वीडिंग और खाद्य घास को हम लोग हटाते रहते हैं, और गर्मी के मौसम में पानी की प्रॉब्लम होती है, इसके लिए हमने सोलर पावर पंप सभी बाड़े में लगभग लगाए हुए हैं। वाटर मैनेजमेंट यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि गर्मियों में पानी की समस्या हमको आती है, इसलिए सोलर पंप हमने लगाए हैं, और इन पाइपों की सहायता से हम लोग पानी को तालाब में पंप कर देते हैं, जिससे गर्मी का मौसम आसानी से निकल जाता है। हमने बताया कि यहाँ पे जो वन भैंसे हैं उनको बाड़े में रखा गया है, उन्हें इस तरीके की चैनलिंग फेंसिंग से चारों तरफ फेंस बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह फेंसिंग कुछ डैमेज है। इसमें जो हमारे नर वन भैंसे हैं, जो स्वतंत्र बाहर बाड़े के बाहर भी नर वन भैंसे विचरण कर रहे हैं, और जो अंदर हैं उसमें लड़ाई करते हैं, जिससे उनको भी नुकसान पहुँचने की संभावना होती है, परंतु यहाँ पे हमारे स्टाफ 24 घंटे उनकी देखभाल और निगरानी रखते हैं, और जैसे भी इस प्रकार की घटनाएं होती है तत्काल वे आकर के उसको लड़ाई को रोकते हैं। 6 ट्रेकर्स यहां पे लगातार रहते हैं, इनकी एक्टिविटी पे नज़र बनाए होते हैं, और जैसी ऐसी घटनाएं होती हैं वो रोकथाम के लिए तत्काल यहां पे आते हैं और लड़ाई को रोका जाता है। वाइल्ड बफेलो का नेचुरल बिहेवियर ही है कि वो आपस में लड़ाई करते हैं, और उसकी रोकथाम के लिए हमने जहाँ तक हो सकता है कि ये चैनलिंग फेंसिंग के पीछे ग्रीन नेट हमने डाला हुआ है, ताकि वो एक दूसरे को ना देख पाएं और लड़ाई कम से कम हो। हमारा वन भैंसा संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र जो जिला मुख्यालय से ये करीब 80 किलोमीटर अंदर जंगलों से घिरा हुआ एरिया है, तो हमारे इस प्रक्षेत्र में किसी भी तरह की लड़ाई में, जो कि वन भैंसों में बहुत ही सामान्य बिहेवियर है, इस जंगलों से घिरे होने के कारण अगर उन्हें किसी तरह की चोट आती है तो मेडिकल इमरजेंसी बेसिक नीड है। तो हम यहाँ कोशिश करते हैं कि जितने भी मेडिकल वेटनरी टूल्स एंड मेडिसिन रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास आप देख सकते हैं जो भी, जैसे आप इन फाइटिंग होती है तो घाव के लिए हो, डिवर्मिंग के लिए हो, डिवर्मर हो, बेसिक फीवर के लिए हो, हम जितने भी हो बेसिक मेडिसिन यहाँ रखने की कोशिश करते हैं। छोटू वन भैंसा है वो पिछले दिसंबर में केरेटो कंजक्टिवाइटिस बीमारी से ग्रसित हो गया था, जिसका हमने सफल ऑपरेशन करके उसे ठीक किया था। वन भैंसों की समय समय पर हम जेनेटिक मैपिंग ही करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर उनके ब्लड लेकर जो बायोलॉजिकल मॉलिकुलर लैब है CCMB हैदराबाद WII वहाँ हम भेजते हैं। हमारा इस केंद्र बनाने का पीछे मकसद प्रजनन ही मुख्य है, हमें इनकी संख्या को लगातार बढ़ाते रहनी है, तो इसके लिए हमें जो नेचुरल ग्रासेस है इसके अलावा मिनरल एंड फीड सप्लीमेंट्स हमें बहुत जरूरी है देना। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी इसेंशियल एंड फीड सप्लीमेंट इनके रिप्रोडक्टिव और हेल्थ पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट है हम उसको प्रोवाइड करें।
यह वन भैंस प्रिंस है जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष है। 6 महीने पहले इसके आंख में किरेटो कंजक्टिवाइटिस बीमारी हो गई थी ड्यू टू इनफाइटिंग, और इसका सतत निगरानी और इलाज यहाँ जारी है, इसलिए इसे एक कन्फाइंड एरिया में रखा हुआ है। पहले यह स्वच्छंद वितरण के लिए ओपन फॉरेस्ट में वितरण कर रहा था। ट्रीटमेंट के बाद इसके आई साइड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। पीछे आप जो देख रहे हैं ये वन विभाग द्वारा निर्मित निरीक्षण कुटीर है, और इसी जगह पे हमने राजकीय पशु वन भैंसा जिनका स्वर्गवास हो चुका है उनकी याद में पीपल बरगद इस तरीके के पौधे यहाँ पे लगाए हुए हैं।